सूरत में आयोजित प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, गुजरात देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है। कि गुजरात किस तरह से देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के विकास के लिए पंचायत की भूमिका की भी तारीफ की। गांव, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं उनका नेतृत्व भी देशवासियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। अकाली दल के नेता अर्षदीप सिंह की सीएम भगवंत मान ने से हुई मांग, नए विधानसभा के लिए सरकार मुहैया कराए जमीन। मुंबई में बीजेपी विधायक के घर के बाहर सोना चांदी और रुपए से भरा बैग बरामद, पुलिस ने जांच शुरू की। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के आजीवन अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस से निकाले गए कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। आरएसएस ने 2024 तक शाखा की संख्या 1 लाख पहुंचाने का रखा लक्ष्य। देशभर में आज ईद उल अधा यानी बकरीद का जश्न, मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज। दिल्ली की जामा मस्जिद में उमड़ी नमाजियों की भीड़, जामा मस्जिद परिसर में पढ़ी गई नमाज। कड़ी सुरक्षा के बीच जामा मस्जिद में पढ़ी गई नमाज, शांति और अमन के लिए मांगी गई दुआएं। भोपाल में भी बकरीद पर लोगों ने उत्साह दिखाया, पढ़ी नमाज। मथुरा में भी बकरीद पर पढ़ी गई नमाज, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। कोलकाता में भी धूमधाम से मनाई जा रही है बकरीद, रेड रोड मस्जिद में पढ़ी गई नमाज। केरल में भी धूमधाम से मनाई जा रही बकरीद, बकरीद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पढ़ी नमाज। पटना में भी बकरीद की धूम, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए उमड़ी लोग। गुवाहाटी में मनाई जा रही बकरी ईद, सीजू बारी ईदगाह में पढ़ी गई नमाज। गुजरात के अहमदाबाद में भी बकरीद की धूम, अहमदाबाद के जामा मस्जिद में बकरीद पर पढ़ी गई नमाज। जम्मू में भी मनाई जा रही है बकरीद, ईदगाह में पढ़ी गई नमाज, अमन शांति और खुशहाली की मांगी गई दुआ। श्रीनगर में धूमधाम से मनाई जा रही है बकरी ईद, बॉयज हाई स्कूल सोनवार में पढ़ी गई नमाज। वाघा अटारी बॉर्डर पर भी बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने एक दूसरे को दी मिठाई, बकरी ईद पर दी बधाई। मुंबई में आषाढ़ी एकादशी पर वडाला स्थित विठ्ठल मंदिर में पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। आषाढ़ी एकादशी पर महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विठ्ठल के दर्शन पूजन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सीएम एकनाथ शिंदे ने भी की पूजा अर्चना। देश में 24 घंटे में कोरोना के 18,257 नए केस, कल की तुलना में 3.1 कम केस आए। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के केस, केरल में 3,186, पश्चिम बंगाल में 2,968, महाराष्ट्र में 2,760, तमिलनाडु में 2,671 और कर्नाटक में 989 कोरोना के केस मिले। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 98.5%, 24 घंटे में 14,553 कोरोना मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना के 1,28,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज, 24 घंटे में 4,32,000 से ज्यादा लोगों ने कराए कोरोना टेस्ट। देश में 24 घंटे में 10,21,000 से ज्यादा टीकाकरण, अब तक 198,76,000 टीकाकरण। प्रयागराज के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, आजादी से जुड़े शहीद क्रांतिकारियों के सम्मान में सेना ने बैंड बजाया। यूपी के बांदा में 15 जुआरी पकड़े गए, पुलिस ने लाखों रुपए और ताश की गड्डी बरामद की।
विस्तार से लोकसभा सांसद बृजेंद्र सिंह नारनौत का बयान, अग्निपथ योजना सेना के लिए अच्छी पर युवाओं के लिए अच्छी नहीं। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश, अस्पताल में भी घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के रामबन में किसानों के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बताए गए सुझाव। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, 15 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लॉन्च करेंगे दूसरा P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट। आधुनिक तकनीक से लैस होगा ये P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट, नौसेना को सौंपने से पहले GRSE करेगा व्यापक निरीक्षण, GRSE को मिला है 3 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाने का ठेका। कांवड़ मेले में उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड पुलिस ने खोला रजिस्ट्रेशन पोर्टल, रजिस्ट्रेशन कर यात्रा पर आने की गई अपील। कानपुर हिंसा के आरोपी जफर हयात के मोहल्ले में बीजेपी ने की गांधीगिरी, मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने के लिए बांटे कमल के फूल। पिछले 4 दिनों से चल रही बारिश के चलते गुजरात के कच्छ में बाढ़ के पानी और समुद्र के पानी का अद्भुत संकट।